मैं इस वक्त चित्राल एयरपोर्ट पर अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ मौजूद हूं, खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला चित्राल, जिसके दो इलाके अस्तोई और झंझरी, जहां पर अब से तकरीबन दो हफ्ते कबल अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप ने पाकिस्तान की दो चेक पोस्ट पर हमला किया था। पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी, कई दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए और कई बुरी तरह जख्मी हुए। जब ये हमला हुआ और इसको नाकाम बनाया गया तो उसके बाद कुछ अनासर ने, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने और सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद दहशतगर्दों की जानिब से कुछ इलाकों को कैप्चर किया गया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और मन गढ़ंत था। तो दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम इसलिए यहाँ चित्राल में पहुँची है और आपको आज दिखाएंगे कि उन चेक पोस्ट और उन इलाकों की सूरत हाल क्या है, वहाँ ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो अब यहाँ पर हम जब दो घंटे की मुसाफत तय करके इस बड़े हैली पे इस्लामाबाद से तकरीबन दो घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, तो इसके बाद हम यहाँ से बम्बरेत जाएंगे, जो कि कैलाश कबीले का हब है। चूँकि बड़े हैली में वहाँ पर पहुँचना जुग्राफियाई सूरत हाल की वजह से मुश्किल काम है, तो अब इस छोटे हैली पे हम यहाँ से जाएंगे और कुछ देर में हम बम्बरेत पहुँचेंगे और बम्बरेत पहुँचने के बाद हम बाय रोड उन देहातों में जाएंगे, उन गांव में जाकर वहाँ की जो चेक पोस्ट हैं अस्तोई और झंझरेत, वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसकी क्या हकीकत है। हम कैमरामैन शाहीन गर्देजी और अपनी दीगर रिपोर्टिंग टीम के साथ चलते हैं। जी, इस वक्त हम बम्बरेत पहुंच चुके हैं। ये वो इलाका है जो कैलाश कबीले का एक हब है, उनकी एक्टिविटीज़ का हब है। बहुत खूबसूरत वादी है, चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों में गिरी हुई वादी है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से अब कुछ फासले पे हम ज़मीनी सफ़र तय करके जाएंगे और बाय रोड जाते हुए हम आपको उस वो जो अस्तोई और झंझरी पहुँच कर बताएँगे कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। अभी तक अगर हम बात करें बम्बरेत की, तो चित्राल का एक अहम इलाका बम्बरेत, यहाँ पर जो टूरिज़म के लिहाज से, यहाँ के लोगों की रिवायात के लिहाज से, यहाँ पर जो मुख्तलिफ यहाँ इनकी जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिहाज से बड़ा मशहूर इलाका है। चित्राल एयरपोर्ट से छोटे हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम बम्बरेत पहुँचे हैं। बम्बरेत एक्टिविटी का हब है कैलाश कबीले का, और यहाँ देख सकते हैं कि रिवायती लिबास में कैलाश कबीले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अहले इलाका, यहाँ बच्चे बड़े, ख़वातीन, यहाँ सब मौजूद हैं और इनके चेहरे का इत्मीनान, इनके चेहरे की खुशी, वही रिवायती मुस्कराहट देख के यहाँ लगता है कि यहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल हैं जिस तरह से वो पहले थे। एक खातून रिहायशी हैं यहाँ पर बम्बरेत की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या जी? हसीना। हसीना, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, आपका ज़रिया मुआश क्या है? टूरिज्म तो है ही, इसके अलावा यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ का रहन सहन? देखिए, हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में लोग बकरियाँ वगैरह पालते थे, उनको इस तरह बेचना, और आजकल लोग जॉब भी करते हैं, पढ़ते तो सारे जॉब करते हैं, साथ साथ बकरियाँ भी हैं, ज़रिए मुआश यही है। और टूरिज़म भी है यहाँ का, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास कर जब हमारी फेस्टिवल होती है उसी दौरान स्नो पड़ती है तभी भी आती है। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ रहती हैं, यहाँ पर कैलाशी रहते हैं, दीगर जो लोग हैं कम्युनिटी वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कैसे मिलजुल के यहाँ रहते हैं? कहते हैं कि यहाँ के लोगों में बड़ा प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो घरें बने हुए हैं यहाँ पे,
मुस्लिम लोगों की घर भी है, कलाश लोगों के घर भी है, जिस तरह मुस्लिम भाई लोगों के इबादत खाने भी है, कलाश लोगों के भी है। यहाँ पे हमारे बीच में अभी तक कोई भी इसी तरह वाकया पेश नहीं आई है। हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। इसकी मिसाल एक ये, जब उनके फेस्टिवल वगैरह होते, ईद वगैरह होते, तो वो लोग हमें मुबारकबाद देने आते हैं। जब हमारे होते हैं तो हम उनके, मतलब जब उनके होते हैं तो हम लोग उनके पास जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ का जो मशहूर जो फेस्टिवल है इस इलाके का, वो क्या है? वो चिलम जुस्ट है, जिसे कलाशी जुबान में योशी कहते हैं, हमारे चित्राली जुबान में चिलम जुस्ट कहते हैं। वो 10 मई से स्टार्ट होते हैं और 16 को ख़त्म हो जाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमांडेंट चित्राल स्काउट्स कर्नल समी। उनसे जानते हैं कि 6 सितंबर को जो आपकी इदारे की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया था, क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद अब इस वक्त हालात जो हैं वो कितने नॉर्मल हो चुके हैं? ये उम्मीद है कि आपके आने से ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम बल्कि पूरी दुनिया को हकीकत से आगाही होगी। जी, आप सबको मालूम है, बखूबी इस बात का इल्म है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो हमारी पोस्ट्स हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनको नुकसान पहुंचाकर इलाके में बदअमनी कायम करना चाहते हैं। इस दफ़ा भी उनका इरादा कुछ इस तरह था कि चित्राल के बॉर्डर के ऊपर हमारी जो पोस्ट है उसको नुकसान पहुंचाकर चित्राल में बदअमनी कायम करें। 6 सितंबर को तकरीबन 5 बजे के करीब कसीर तादाद में अफगानिस्तान से आए हुए दहशत गर्दों ने हमारी दो पोस्टों पर बयक वक्त हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिसर्स और जवान हमेशा की तरह रूटीन के मुताबिक अलर्ट थे, और ये बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरे ऑफिसर्स और जवानों ने बड़ी बहादुरी, दिलेरी, जुर्रत और हौसला मंदी से उन दहशतगर्दों का डट के मुकाबला किया और 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वसल किया। इस लड़ाई के दौरान हमारे 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमारे साथ एक और ऑफिसर एफसी के मेजर अजादार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक प्रोपेगेंडा किया गया 6 सितंबर को जो वाकया पेश आया कि यहाँ के कुछ इलाके कोई उनके जेरे कब्ज़ा आ गए हैं, जो दहशतगर्द थे उनका बड़ा एक ग्रुप था, क्या ये चंद मिनट्स के लिए या चंद घंटों के लिए ऐसा हुआ? आप तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, असल सिचुएशन क्या थी, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया गया ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया पर? वी वर ऑन द फ्रंट्स, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वो हमें क्रॉस नहीं कर सके तो पाकिस्तान के चित्राल के किसी एक इलाके में एक सेकेंड के लिए भी उनका कब्ज़ा नहीं रहा। अदील भाई, यहाँ के लोग जिस जज्बे से हमारी मदद करते रहे, हमारे साथ शाना बशाना लड़ते रहे, उसी जज्बे से उन्होंने नेक्स्ट डे, अभी आप आए हैं, आपने विज़िट किया, आई एम श्योर यू हैव विज़िटेड मैनी प्लेसेस, तो आपने देखा होगा कि स्कूल मामूल के मुताबिक खुले हैं, बाज़ार खुले हैं, औरतें अपनी फील्ड्स में अपना काम कर रही हैं, टूरिस्ट घूम फिर रहे हैं, आज़ादी से रोड खुली है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों ने जिस तरह से अपनी फोर्सेस की मदद की, उनके लिए सामान की तरसील की ये बुलंद चोटियों पे, तो क्या वाकई आप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी फोर्सेस के साथ उस दिन बिल्कुल शाना बशाना खड़े होकर दहशत गर्दों को शिकस्त दी? बिल्कुल सर, हमारे जितने भी कलाश वैलीज के जितने भी लोग थे और मुस्लिम बरादरी जो है, हम दो कौमें हैं, हम सारे एक जो है ना, जितने भी कलाश और मुस्लिम सारे जो है ना, हम एक हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, और हम सब शामिल थे इस वैली के, और उस वक्त बज़रत खुद मैं खुद भी मौजूद था, मैं खुद भी ऊपर पोस्ट पे पहुंच चुके थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब सूबेदार शौकत हयात, जिन्होंने उस दिन जब दहशतगर्दों के जत्थे ने हमला किया तो उन्होंने मशीन गन से जो स्नाइपर्स थे तालिबान के उनको एंगेज किया, और फिर इनके जो दीगर जवान साथी हैं उन्होंने फिर उन्हें जहन्नुम वासिल किया। जो ही वो हमारे पोस्ट को एंगेज करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम मैंने फैसला कर लिया कि मैंने LMG लेके अपने कुछ जवानों के लेके मैं कोई लोकेशन चेंज करूं और साइट में जाके मैं स्नाइपर वाले को एंगेज करूं। जब मैंने निकला अपने बंदों के लेके, जवानों के लेके, मैंने एक रिच पकड़ी, तो जब मैं उधर पहुंचा तो मेरे पास एक सही लोकेशन मिली, तो उसके साथ मेरे LMG के साथ मैंने वो स्नाइपर वाले को हिट कर लिया, और दूसरे स्नाइपर वाले को जब मैंने हिट कर दिया तो उनको मैंने वो कर दिया। फिर इसके बाद जो है ना,
वो सारे भागना शुरू हो गया। पाकिस्तान जब दो चेक पोस्ट पर हमला हुआ, उनमें से एक अस्तोई चेक पोस्ट थी जिसपे 80 से जायद दहशतगर्द जो थे उन्होंने पाकिस्तान की चौकी पर हमला किया और उसके बाद उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, दर्जन भर दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। तो ये वो बिल्कुल चेक पोस्ट के साथ का गांव है, ये वो देख सकते हैं गांव जहां पर ज़िंदगी रवा दवा है, बच्चे यहां देखे जा सकते हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। यहां बड़ी खूबसूरत वैली है जो चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई, कहीं से सरसब्ज़ो शादाब और कहीं पथरीले पहाड़ और इसके पीछे कहीं बर्फ़ पोश चोटियां। और यहां जिस लकड़ी के इस पुल के ऊपर मैं मौजूद हूं, बड़ा खूबसूरत दरिया यहां से बह रहा है। तो ये वो इलाका है जिसके बारे में कहा जा रहा था, प्रोपेगंडा किया जा रहा था कि जी इन इलाकों में शायद उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया है, इन पर कब्ज़ा कर लिया है। तो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा साबित हुआ वो प्रोपेगंडा, जिस तरह दुश्मन हमेशा से झूठ बोलता आया और वक्त गुजरने के साथ जब ये दुनिया पर आश्कार होता है कि किस तरह झूठ बोल के परसेप्शन ख़राब की जाती है पाकिस्तान की, एक अमन पसंद मुल्क की। और यहाँ पर यहाँ के तो लोग ही बहुत ज़्यादा पुरअमन हैं, यहाँ अमन का पैगाम है यहाँ के लोग, यही वजह है कि आज हम यहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है लाइफ, यहाँ सवाय पानी के शोर के यहाँ हम देख सकते हैं किसी किस्म की कोई शोर शराबा या कोई ऐसी शोरश नहीं है। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारी आवाम और अफवाज ने यह पैगाम दिया है कि इस मुल्क के दिफा के लिए उनका अज़्म इन पहाड़ों से भी बुलंद है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, चित्राल।